पूनम स्टाइलिश पूनम बिस्ट पहुंच गए गड़सारी। गड़सारी के जो जो लोग हैं कमेंट करना ठीक है। नहाने का मन कर रहा है बट नदी में नहा नहीं सकते क्योंकि ये बहुत डरती है, ये एक नंबर की डरपोक है, ये सोचती है छल वल लग जाएगा ऐसी। हेलो नमस्ते प्रणाम और पहला आप सभी लोग का तो स्वागत करते हैं इन खूबसूरत वादियों से गढ़वाल की। तो जी अब हम लोग कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। पूनम ने बनाया आज दाल के पराठे। पूनम पराठे अच्छे बनाती, खाना ही अच्छा बनाती। देखा तारीफ होगी तो नाचने लग गई बस। तो चलो इसके बाद हम आपको ले जाएंगे एक गांव, गांव का चक्कर लगाएंगे, अरकंडाई का गांव दिखाएंगे पौड़ी गढ़वाल में कैसे छोटे छोटे गांव हैं मस्त वाले। क्योंकि है ना बांज के पेड़ नहीं है, चीड़ के चीड़ के, इसलिए थोड़ा गर्मी है। तुम ईगल देखने जाओगे भाई? उन्होंने यहाँ से इतनी दूर ईगल देख दिया तो मेरी नजर तो बर्ड्स पे पड़ती है तो ईगल दिखी मुझे ऊपर। वगैरह हो गया, हम लोग जा रहे हैं अरकंडाई से सीधा पेजरो। पूनम कहाँ गया? जिमी और ना जिमी आज पता नहीं कहाँ से आ गया। जिमी पूनम डर रही है बाहर जाने। डर आतंकवादी से कम थोड़ी हो, सबको काटने जा रहे हैं ना। जिमी ना इनका पहला कुत्ता था, अब तो वो काटने के लिए आ रहे हैं। कहाँ है? कहाँ भूल गया बोल दे मैं। जिमी जिमी किसके साथ चलते हैं बोल रही है? तो चलिए जी हम तो चल दिए अरकंडाई से सीधे बैजरो की तरफ। ठीक है तो बैजरो घुमा के लाते हैं आज आपको। चलो पुनः चलो। तो हमने अब करनी है नदी क्रॉस, फिर जूते उतारने पड़ेंगे। नहीं नहीं आज तो पानी कम होगा, पानी कम है आज थोड़ा। और ना जिमी से ऐसी डर लग रही थी क्योंकि ऐसे कर रहा था ना काटने के लिए। तो अभी पुनीत के लिए हम लोग नाश्ता लेके जा रहे हैं ब्रेकफास्ट। तो फिर उसके बाद मेरे तो बाइक के पेट्रोल जो तेल ऑन करने वाली चाबी होती है ना वो भी खो गई, पता नहीं खो गई नहीं शायद बाइक में लगी होगी अगर किसी ने उठाई नहीं होगी तो। चलो चलते हैं। मैं तो आ गया नदी के पार, नीचे देख के आओ आराम से। पूनम आ रही है वहाँ से, एक दादाजी भी आ रहे हैं। ये बहुत समस्या है गांव के लिए ना, गांव के सरकार मतलब ऐसे हमारी सरकार छोटे छोटे जो गांव है उनके लिए सोचनियाँ देखनी चाहिए गांव वाले कैसे फेस करते हैं। देखो उतना ऊपर है गांव, और अगर ये नदी ज़्यादा आ गई ना तो फिर तो मुश्किल हो जाती है। पुल देखो कैसे टूट के पड़ी है, तो ये बहुत समस्या देखने को मिली है यहाँ पर। आ जाओ ना। पहुँच गए रोड में जहाँ पर मेरी बाइक खड़ी है और मेरी चाबी भी बाइक में लगी है भाई, थैंक गॉड। तो उत्तराखंड में ना यही है कि यहाँ पे चोरी चकारी ऐसे कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल एकदम सीधे साधे लोग हैं हमारे यहाँ पे। छूट गई थी यहाँ पे ये तेल ऑन करने वाली ऑफ करने वाली, अच्छे लोग। चलो फिर तो चलो फिर अब हम चलते हैं बैजरो, आपको भी लेके चलते हैं ठीक है। पंचपुरी थली सैन पीरो खाल बैजरो, बैजरो यहाँ से 2 किलोमीटर। पुनीत भी है पापा जी। कौन सा सीधी रोड गई बैजरो, और जो ऊपर से रोड आ रही है ना पतली वाली वो सीधे हमारी तरफ को सराई खेत की तरफ, और ये वाली गई रामनगर सीधी। हमें जाना है अभी सामने सीधे बैजरो की तरफ। पुनीत की बाइक कैसी बना के रखी है उसने, मस्त सी KTM, और ये हमारी धन्नो रॉयल एनफील्ड बुलेट। तो देखो हम लोग पहुंचने वाले हैं बैजरो, इसलिए सारी गाड़ियां यहां लगी हुई है। तो सारी गाड़ियां ना यहां खड़ी कर रखी है देखो। अच्छा इसलिए मैकेनिक होगा ना यहां पे। और ये देखो एक चीज दिखाता हूँ आपको, स्टाइलिश पूनम बिस्ट। कहाँ से पटगी मेरे से शॉप में आया सुस्मिता की, पूनम की जो दोस्त है, फोटो कॉपी कराने बैंक का काम करवाने के लिए। बैंक का काम भी हो गया, और हमारे साथ एक चाची जी है तो उनका मकान बन रहा है गड़सारी में, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं गड़सारी। अभी फिर आ जाएंगे ना घर खाना खाने तक। चलो फिर गड़सारी चलते हैं, गड़सारी दिखाएंगे आपको। सब्सक्राइबर मिलते हैं ना और बच्चे अच्छे भी मिल जाते, तो पूनम गई है चॉकलेट लेने उनके लिए अभी दुकान में।
चलो भाई अभी हम लोग निकल गए हैं गड़सारी की तरफ। इधर है हॉस्पिटल। हेलो अच्छा यहाँ पूरी रोड खुदी हुई है यार, बन रही है रोड दोबारा से। तभी तो पापा बोल रहे आराम से जाना। पापा तो ये है पौड़ी गढ़वाल के छोटे छोटे गांव और नीचे दिख रही है आपको सुंदर सी नदी। वो देखो ये मटेला का शिवालय मंदिर है यहाँ। तो ये देखो सामने दिख रहा है हमें बंजवाड़ गांव और खेती भी कर रखी लोगों ने वहां पे। नीचे बह रही है नदी। क्या लगा रखी? कीवी। तो जो सबसे महंगा फ्रूट है ना कीवी, तो वो उसकी खेती लगा रखी लोगों ने यहाँ पे। और ये रोड जिस पे हम जा रहे हैं थोड़ा कच्ची कच्ची सी रोड है। कच्ची नहीं है, खुल रखी है ये क्योंकि नई बनने वाली है। हाँ तो नीचे एक बड़ी सी पुल भी है। तो हम जा रहे हैं अभी कहाँ? टाइल्स तो नहीं लगाए मैंने। और यहाँ पे देखो ना रोड तो हर गाँव गाँव में पहुंची हुई है, बट यहाँ पे देखो कितनी नैरो सी रोड है, एकदम पतली सी रोड है गाँव जाने के लिए। और यहाँ पे ना गाड़ियां भी ज्यादा नहीं चलती लोग, क्योंकि आधा तो शॉर्टकट रास्ते से आवाजाही कर लेते हैं मार्केट के लिए। रोड बाय रोड आएंगे तो उनको बड़ा लंबा पड़ता है, जंगल के रास्ते इजी है। छोटे छोटे गांव पड़ रहे हैं बीच बीच में। अभी आगे, ये आगे वाला गांव कौन सा है? चाची जीवाई। हाँ जो जो जीवाई वाले हैं कमेंट करना ठीक है। और देखो मोड़ ऐसे है, यहाँ पे तीखे से मोड़, हॉर्न बजाना बहुत जरूरी है ऐसे रोडो में। सामने दिखाओ, ठंडक लग रही है ना, तो उसका कारण है कि यहाँ बांज के पेड़ दिखाई दे रहे हैं अब, तो इसलिए थोड़ा हल्का ठंड जैसी महसूस हो रही है। और उधर देखो मेरे राइट साइड में इतना मस्त मौसम हो रखा है ना। गढ़वाल की खूबसूरती ना इसी में है, पता है, मौसम बहुत सही रहता है। सीनिक ब्यूटीज देखने एक बार, कितना तगड़ा व्यू है। और मुझे ना स्पेशली यहाँ की जो छन्निया है ना, छन्निया वो सबसे खूबसूरत लगती है। ऊपर देखो जैसे हमारे मड हाउस टाइप होता है ना, तो यहाँ गाय भैंस पालते हैं, उसमें मिट्टी के बना रखे, ऊपर पत्थर लगा रखा उसमें चपटा वाला। ये देखो नीचे भी बने हुए चार पांच। कौन सा गांव है? बापता। तो बापता गांव वाले भी कमेंट करना जो बापता गांव से होगा। मेरे दोस्त हैं यहाँ से बहुत। हाँ तो अभी देखो चाची जी भी जा रही है हमारे साथ। चाची जी को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, आपका घर बन रहा है ना ऊपर? हाँ चलो बढ़िया है, अभी बन जाएगा फिर मजा आएगा, फिर आएंगे हम वहाँ। तो अभी चलो हम चलते हैं, उनका घर बन रहा है जहाँ पे, वो दिखाएंगे आपको ठीक है। ओके तब तक आप सीन का मजा लो। तो ये पहुँच गए हम जीवाई गांव में। यहाँ अभी भी देखो यहाँ भी घर बन रहे हैं, देखो सब बैठे हुए हैं। और यहाँ पे इंटर कॉलेज है नीचे। तो ये आप ले रहे हैं पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के खूबसूरत वादियों के मजे। और ये ऊपर बिरगना जा रहा है रोड, ये देखो सीधे गया पौड़ी और ऊपर गया बिरगना। बिरगना जाना है हमने? हमने कहा जाना है नीचे। अच्छा हमने पौड़ी वाली में जाना है, बिरगना को नहीं जाना हमने। अभी मैं बिरगना को चले गया था। रे बुबा ये देखो हमारे पहाड़ की औरतें, कर्मठ और साहसी। नदी दिखा रहा था ना, वो देखो सामने इतना बड़ा झरना है यहाँ पे, एक सुंदर सा, छोटा है बट बहुत बड़ा है। जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो इसका नाम है गौणी छीड़ा का झरना है। यहाँ पे भी आ सकते हैं लोग टूरिस्ट के लिए, मतलब बहुत पीसफुल लोकेशन है। लोग बोलते हैं यहाँ पे कुछ नहीं हमारे पहाड़ों में, बट बहुत अच्छे अच्छे झरने हैं, नदियाँ हैं, और इतनी सुनसान और इतना सुंदर है ना, पीसफुल बहुत है। तो टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छी प्लेस है ये। लोग बोलते हैं हमारे पहाड़ों में कुछ नहीं है, बट देखने के लिए इतना सुंदर है। बस देखने का आपका नजरिया होना चाहिए उसको, बस है ना। क्यों चाची? नदी बह रही है मस्त, और वहाँ पे सामने एक पुलिया है। और वो देखो जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, ये इनकी छन्निया, क्या बात है यार, खूबसूरत। और कितने अच्छे से डिजाइन करी हुई है। और जब पूनम बता रही है जब इनमें नई घास लग जाएगी तो और भी खूबसूरत लगती है फिर। और ये छोटे छोटे घर और बखेली भी है, बखेली हमारे यहाँ बोलते हैं उसको, जब सारे बहुत सारे घर एक साथ होते हैं। और देखो सीढ़ी नुमा खेत, अभी कुछ लगा रखा है इनमें, मडवा मिर्ची। हाँ मिर्ची और मडवा लगा रखा है बोल रही है चाची जी।
एक बार मैं वाइड एंगल व्यू करके दिखाता हूँ आपको, देखो ये है पहाड़ों की खूबसूरती भाई साहब, और ऊपर देखो बादल। तो चलो हम नीचे चलते हैं, लगा दिए यहाँ पे बाइक, हम लोग पहुँच गए गड़सारी। गड़सारी के जो जो लोग हैं कमेंट करना ठीक है। ये देखो ये देखो चाची जी लेके जा रही है अभी। ये वाला बनाया आपका? ये तुम्हारे ससुर जी ने बनाया है। ये पूनम बोल रही है मेरे ससुर जी ने बनाया, मतलब मेरे ससुर जी ने, ठीक है, रोहित नयाल के ससुर जी ने बनाया ये, क्योंकि वो ठेकेदारी का काम भी करते हैं ना। ऊपर देखो गांव, भाई साहब क्या मस्त लग रहे हैं ना। ये देखो पहाड़ों की खूबसूरती, देखो ऐसे पाख वाले, हमारे कुमाऊनी में बोलते हैं पाख वाले मकान होते हैं ना, जो ऐसे बने होते हैं वो। चलो 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 चलते हम। मिर्ची बहुत होती है तो मिर्ची सुखाने रखी हुई है, और ये लाल भी नहीं हरी भी नहीं, ये ऑरेंज कलर की मिर्ची है। ये देखो भांग कितना हो रखा है यहाँ पे भाई साहब। तो हम पहुँच गए चाची जी के घर, जो कि बना है बहुत ही सुंदर लोकेशन में। ये देखो अगर यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे तो होम स्टे, यहाँ पे आराम से होम स्टे चल सकता है भाई, मैं तो चला दूंगा यहाँ पे आराम से होम स्टे, क्योंकि नीचे बह रही है सुंदर सी नदी और सामने सीढ़ीदार खेत, ऊपर गांव, नीचे गर्मियों में नहाने भी जा सकते हैं। और यहाँ पे एग्रीकल्चरल फार्म भी है, मतलब लैंड एग्रीकल्चरल लैंड है, तो यहाँ पे खेती भी की जा सकती है, क्या बात है। चलो अंदर चलते हैं। तो अभी बन रहा है, ससुर जी इसको बना रहे हैं। अम्मा देखो सामान लेके आ रही है इस बुढ़ापे में भी, तो पहाड़ों के लोगों की ना मतलब मानना पड़ेगा उनको, बुढ़ापे तक भी इतना काम करते हैं, क्योंकि इतने मेहनती लोग हैं हमारे पहाड़ में। पहुंच गए हम चाची जी के घर में, जो कि बना है मस्त, एकदम अच्छा बना है, बहुत अच्छा। देखो तीन कमरे हैं, किचन भी बना रखा है, एक कमरा घर भी है। ये देखो वाह बढ़िया। वाले घर में से एक दादाजी निकले, हमने उनको प्रणाम बोला, वो बोले हाँ पूनम तो अरकंडाई से है बट ये कहाँ से है जवाई। तो हमने बोला ना कि हम अल्मोड़ा से, तो अल्मोड़ा इतना दूर भाई, इतनी दूर शादी क्यों करी तुमने इतनी दूर? कर दिया यार, क्या करती, तुम भी तो अकेले पड़ रहे थे। हाँ इसलिए करी, और नहीं तो लोग सोचते हैं जब कहाँ से है, अच्छा कुमाऊँ से है, इतनी दूर से भाई अलग ही है। तो चलो फिर आपको लेके चलते हैं छन्नियों में नीचे नदी के पास, है ना, फिर दिखाएंगे आपको छन्निया, जैसे मैं बोला था छन्नी जैसा एकदम पुराने टाइप का मकान। तो ऐसे लोगों अभी लोगों ने ना छोड़ के पलायन कर गए लोग, जैसे कि आपको पता ही होगा उत्तराखंड में पलायन चलते ही रहता है, तो लोग अपने घरों को छोड़ के दो पैसा कमाने के लिए बाहर जाते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए। अभी देखो हम नीचे की तरफ चलते हैं, तो पलायन रोकने के लिए वही स्वरोजगार बहुत जरूरी है गाँव में। देखो ये है टिपिकल एकदम, ये मडुआ है, अच्छा झुंगर है ना ये, अभी यहाँ झुंगर की कुटाई चल रही है। प्रणाम प्रणाम। ये देखो पीछे लग रहा है डंडा आपका, चलो 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 हम जाएंगे नीचे नदी में। अभी फाइनली पहुंच गए छन्नियों के पास, इनकी छन्नी होगी गोट देखने की, यहां की छन्नी जो मुझे बहुत पसंद है। ऐसे होम स्टे बनाने का क्या है सीन है इन फ्यूचर। और ये है देखो मैं आपको दिखा कर रही है, हमारे वहां इसको बोलते हैं क्या, लूटा बुलेट आए। भाई देखो छन्नियों के छत है, ये छतें इस टाइप की होती है, चौड़े चौड़े पत्थर, और ये इस तरीके से लगाए जाते हैं ना, बिल्कुल अंदर पानी नहीं आता, जैसे कि आजकल सीमेंट उमेंट के बनाते ना, तो उसमें कोई मज़ा नहीं है, और ऐसे में जानवर बीमार भी नहीं होते, क्योंकि वो मिट्टी से लिपाई होती है बाहर से देखो, और छोटे दरवाजे छोटे होते हैं, क्योंकि जानवर घुसने के लिए और आदमी को झुकना पड़ता है हमें से नीचे अंदर जाने के लिए। तो ये देखो ये छन्नियाँ बहुत सारी,
जो ये डंडियां लगी हुई है ना, डंडी में टैले लगे हुए हैं जो बड़े बड़े। ये छिपकली देखो, छिपकली देख के इसकी हालत खराब हो गई भाई। वो देखना वो दीवार पे छिपड़ा छिपड़ा, ये देखो ये है जी पौड़ी गढ़वाल के गड़सैरी गड़सारी के छन्निया। ये चाची जी आज हमें छन्नियों का टूर करा रही है। चलो बकरी के बच्चे, हमारे वहां इनको बोलते हैं बकरी के पाठे। बकरी के पट्टे जैसे उल्लू के पट्टे होते हैं, बकरी के पट्टे। मौज आ गई इनको देख के। आजा 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 आजा, ये देखो कितने से भाई पहले इधर पहाड़ों के। यही मजे है भाई देखो, छन्नियों में मैं सोच रहा था गाय गाय बकरियां नहीं मिलेंगी अभी, बट मिल गई। देखो ये अभी एक महीने के होंगे ना, ये वाले को भी देखो। तो चलो मैं आपको छन्नी के ना अंदर का सीन दिखाता हूँ एक बार। ये देखो यहाँ गाय बकरियां, बट ये मेरे को लग रहा है सब बकरी का है, नहीं गाय का है। ये छोटा छोटा यहाँ पे कुटिया सी बना रखी है। अरे देखो अंदर पूरा लकड़ी का काम, ये छोटी सी खिड़की और बाहर का माहौल देखो भाई साहब, मजा आ गई ना। चाची जी को धन्यवाद छन्नी दिखाने के लिए। बहुत सारी छन्नी है, ऐसा लगता है पूरे गांव की छन्नी एक साथ ही है यहाँ नीचे। और भांग के पेड़ लगे हुए, नीचे नदी की आवाज आ रही है मस्त। तो चलो अब चलते हैं हम ऊपर की तरफ, पुल में चले, नदी वाले पुल में। चलो पुल की तरफ चलते हैं। तो ये है बिच्छू, कंडाली बोलते हैं जिसको, बचपन में सबने खाई होगी ना, टीचर के हाथ से घर वालों के हाथ से। शैतानी करने में बहुत जोर की लगती है भाई, बच के रहना इससे। तो फाइनली हम लोग आ गए गड़सारी के पुल पे, और जहाँ से सुंदर सा दृश्य दिख रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। पीछे थे छन्नियाँ, आपने देखी पीछे छन्नियों का भी दिखा दिया मैंने आपको कैसी होती है। सामने है खेत, छोटे छोटे सीढ़ीदार खेत है यहाँ पे, छोटे छोटे ऐसे लंबे लंबे सीढ़ीदार खेत होते हैं पहाड़ों में। ऊपर का व्यू देखो आप एक बार, वाइड एंगल करके दिखाता हूँ। ये गाँव की छन्नियाँ, ऊपर गाँव और सड़क ऊपर ही है, और यही रोड आगे जाके पौड़ी जाती है। पौड़ी जाती है ना ये, हाँ पौड़ी जाती है। पौड़ी के लिए और दूसरे रास्ते भी हैं, बट यहाँ से भी आप जा सकते हो अरकंडाई से सीधा पौड़ी। तो ये देखो ऊपर से आ रही है नदी मस्त एकदम। ये देखो ये है पुल यहाँ का, कह रही है नदी में नहाने का मन कर रहा है, बट नदी में नहा नहीं सकते क्योंकि ये बहुत डरती है, ये एक नंबर की डरपोक है। ये सोचती है छल वल लग जाएगा ऐसी। मजे आ गई भाई मजे, एकदम मस्त लाइफ। और पहाड़ों में इतना सुकून है, इतना सुकून है, ये सुकून आपको कहीं नहीं मिलेगा बाहर। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के पहाड़ों में एक बार के लिए ज़रूर आप हर साल घूमने आइए और यहाँ पे रहिए, और पहाड़ों के मज़े ली। सुकून है, एक अलग ही सुकून है पहाड़ों का, जो मुझे स्पेशली पसंद है। पूरी लगी हुई है यहाँ छल्ले में, करेले का भी तोरी भी लगी है। ताऊ जी क्या कर रहे हैं, मिर्ची आदि वो सड़ी है ना बरसात के वजह बारिश से। कितने मवास है ताऊ जी यहाँ गड़सारी में, कितने मवास है? 25-30। और यहाँ रोजगार क्या है? खेती बाड़ी, पूरा कपड़े, दरी। चलो ताऊ जी चलते हैं फिर, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। ये पत्थर तटा लगे हैं, जैसे आके थक गए तो ताई जी हमें पिला रही है अभी पानी, ठंडा ठंडा गागर का पानी। थैंक यू ताई जी। और ये जो झूंगर कूट रहे थे ना, झूंगर का बनता है भात, और झूंगर की खीर भी बनती है, चावल। हाँ वही खीर भी बनती है चावल, तो इसके चावल के साथ मजा आ जाता है भाई, चावल खा के। मोटा ना जी पहले से लोग खाते थे। पुल की सैर भी कर ली हमने, पुल से भी दिखा दिया आपको सीन कैसा है। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर सड़क की तरफ। ठीक ची भाई जी, समझ में ओण ची।
गढ़वाली भी थोड़ा थोड़ा होनी चाहिए मेरे को पूनम सिखाई नहीं रही गढ़वाली मुझे कदगा सिखाण मिल इदगा क्या बोला हाँ मजा आ गई भाई। तो अभी हम चलते हैं ऊपर की तरफ। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है पूनम, लंबा हो गया ब्लॉग भी। तो चलो जी, होप आप सभी लोग को ये ब्लॉग पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, और आगे की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप सबके प्यार के लिए बहुत सारा शुक्रिया।